Another example based on array and pointer operations. Means examples के through मैंने सारे के सारे possible case cover किए by using these increment operations. Clear? One by one सारे के सारे operation discuss करना आपका just motive क्या रहेगा इस case में different different cases की comparison को accept करना. First one, first declarations के according बात करूँ तो इसमें कुछ भी नया नहीं है. अगर मैंने simply एक array create किया a plus initially currently से array के अंदर number of elements कितने create हो रहे हैं? Only 3 elements. Then, अगर array का address 100 है, then next place का element, next element के address क्या होगा? 102 and 104. Currently array का name क्या है? A. First place पर store हुआ 10, 20 and 30. इसमें array के individual elements को name provide नहीं करेंगे, just common name provide करूँगा जैसे star 100. इसका एड्रेस 102 इसलिए नेम क्या हुआ *102 जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पॉइंटर्स मींस *100*102*104 किस टाइप के लोकेशन लाइक अ वेरिएबल नेम्स मींस जो रूल्स वेरिएबल्स के लिए एप्लीकेबल वो सारे रूल्स *100 और *102 के थ्रू फॉलो करना पॉसिबल है. नेक्स्ट डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग अगेन पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया p प्लस p में कैसा होगा a a के प्लेस पर एरे का बेस एड्रेस होगा 100. नेक्स्ट केस में जस्ट क्रिएट क्या करेंगे declaration of pointer variable p. p के केस में initially assign क्या कराया मैंने 100. then सबसे पहले pointer variable p किस location को point करेगा *100 location. तो इस location का other logical name क्या होगा something *p. क्या है *p हमेशा उस location का name create होता है जिस location का address pointer variable p में stored है. नेक्स्ट वन मींस आपको इस केस में 1x1 सॉल्व करना होगा. printf के केस बात करें सबसे पहले तो printf का बिहेवियर क्या है इस printf के अंदर टोटल मैंने 3 एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया फर्स्ट सेकंड और थर्ड. तो सबसे पहले फर्स्ट आर्गुमेंट सॉल्व हुआ लास्ट आर्गुमेंट क्या इसके आर्गुमेंट कैसे सॉल्व करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले चांस किसको मिलेगा प्लस प्लस *p. मींस मैं सारे एक्सप्रेशन 1x1 सॉल्व करूंगा जिससे आप इजीली समझना पॉसिबल. अगेन इस केस में आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए प्रॉपर्टी ऑफ यूनरी ऑपरेटर. स्टार क्या है इस केस में यूनरी प्लस प्लस कैसा यूनरी दोनों की प्रायोरिटी सेम है. देन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एसोसिएटिविटी रूल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट के अकॉर्डिंग पहले किसको चांस मिलेगा स्टार को. दिस टर्म का जस्ट मीनिंग क्या लाइक दैट क्लियर. मींस इस केस में इंक्रीमेंट ऑपरेशन पी के लिए अप्लाई किया स्टार पी के लिए तो इसका जस्ट मीनिंग क्या है इंक्रीमेंट के केस में p के प्लेस पर आप रिप्लेस करा वो वैल्यू ऑफ p और p का करंट वैल्यू क्या है 100. देन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा जस्ट 100. देन इस केस में प्री इंक्रीमेंट अप्लाई किसके लिए हो रहा है *100 के लिए. तो इसका जस्ट मीनिंग क्या हुआ *100 इक्वल्स टू *100 प्लस 1. व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ *100 और सिंपली स्पेस में मैंने यूज किया था p. आप डायरेक्टली भी राइट डाउन कर सकते हो इट इज इक्विवेलेंट टू *p इक्वल्स टू *p+1. वन मोर थिंग इस केस में इंक्रीमेंट कौन सा प्री और पोस्ट जस्ट प्री इंक्रीमेंट. प्री है तो पहले इंक्रीमेंट कराएंगे रिप्लेसमेंट पहले इंक्रीमेंट देन रिप्लेसमेंट. तो इसलिए मैं पहले इस केस में इंक्रीमेंट ऑपरेशन को फॉलो कर रहा हूं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ *p और वैल्यू ऑफ *100 *100 और *p का करंट वैल्यू क्या है 10. रिप्लेस करेंगे वैल्यू इज 10 10+1 इज 11. इसे इंक्रीमेंट एड्रेस में हो रहा है वैल्यू में इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा 1 से. तो रिजल्ट क्या आएगा 11. और 11 अगेन असाइन किस में होगा लोकेशन *p. तो इसका एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था 10. नाउ 10 इज रिप्लेस्ड बाय 11. नेक्स्ट वन मींस इस केस में ऑपरेशन कौन सा प्री. पहले मैंने इंक्रीमेंट करा दिया देन परफॉर्म किया हुआ रिप्लेसमेंट. जिस प्लेस पर इस एक्सप्रेशन को राइट किया है इस एक्सप्रेशन के प्लेस पर फाइनली रिप्लेस क्या हो जाएगा करंट वैल्यू ऑफ दैट लोकेशन विच इज 11. क्लियर. नेक्स्ट वन अगेन क्या सेम एक्सप्रेशन है तो फिर से परफॉर्म क्या कराएंगे अगेन सेम ऑपरेशंस प्लस प्लस *p. तो इस केस में जस्ट इंक्रीमेंट किस में हो रहा है *p में. प्री इंक्रीमेंट है तो पहले *p का वैल्यू रिप्लेस होगा पहले *p में इंक्रीमेंट कराएंगे. पहले *p में इंक्रीमेंट कराओगे 1 से और *p का करंट वैल्यू क्या 11. नेक्स्ट न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 12. इंक्रीमेंट के जस्ट बाद *p का वैल्यू रिप्लेस होगा जस्ट बिहेवियर ऑफ प्री इंक्रीमेंट और करंटली *p का वैल्यू क्या 12. तो रिप्लेस भी क्या हुआ इस केस में 12. तो नेक्स्ट टाइम क्या रिप्लेस होगा इस प्लेस पर 12. सेम एज अगेन प्लस प्लस *p. थर्ड एक्सप्रेशन प्लस प्लस *p. अगेन इस केस में दोनों ही ऑपरेटर के प्रायोरिटी कैसे एग्जैक्टली सेम प्रायोरिटी. देन
फिर से राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे तो अगेन इंक्रीमेंट किसके लिए अप्लाई हो रहा है, स्टार पी के लिए। स्टार पी का करंट वैल्यू क्या है, 12। 12 में इंक्रीमेंट कराऊ मीन्स प्री इंक्रीमेंट है, प्री है तो पहले इंक्रीमेंट और पहले रिप्लेसमेंट, पहले इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होने से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 13, तो रिप्लेस क्या कराएंगे 13। तो फाइनली फर्स्ट प्रिंट ऐप से मैसेज डिस्प्ले होगा 13, 12 एंड 11, 13, 12 एंड 11। दिस इज द बिहेवियर इन केस ऑफ प्री इंक्रीमेंट। इस फाइनली इस केस में आपको ऑब्जर्व करना है इंक्रीमेंट किसमें हुआ था, वैल्यू में और एड्रेस में। एवरी टाइम सारे के सारे इंक्रीमेंट किसमें परफॉर्म हुए, वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट वन अगेन सेकेंड केस, तो अगेन राइट टू लेफ्ट सॉल्व करें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या, इस टाइप का एक्सप्रेशन ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने कवर किया था, स्टार पी प्लस प्लस पोस्ट प्लस, दोनों की प्रायोरिटी सेम है, राइट टू लेफ्ट सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, इंक्रीमेंट मीन्स लाइक दैट। पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले पी प्लस प्लस के प्लेस पर जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ पी मीन्स पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट। वन मोर थिंग्स, इस केस में इंक्रीमेंट स्टार पी में हो रहा है, ओनली पी, ओनली पी, पी का करंट वैल्यू क्या है 100, रिप्लेस करेंगे 100, रिप्लेसमेंट के जस्ट बाद पी में इंक्रीमेंट करो तो पी का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा। इस केस में इंक्रीमेंट किस में हो रहा है, एड्रेस में, और एड्रेस में इंक्रीमेंट कितने से होगा 2 से। तो नेक्स्ट टाइम पी किस लोकेशन को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, इस लोकेशन का नेम क्या हुआ, स्टार पी। मीन्स ऑपरेशन कौन सा, पोस्ट, पहले रिप्लेसमेंट देन इंक्रीमेंट, पी में इंक्रीमेंट होने वाला था, पी किसको पॉइंट करा, नेक्स्ट एलिमेंट, लेकिन रिप्लेस क्या हुआ था ऑलरेडी प्रीवियस एड्रेस 100, देन स्टार 100 के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ स्टार 100 विच इज 13। अगेन इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा एस 13, क्लियर। नेक्स्ट वन, फाइनली इस केस में लास्ट केस में रिप्लेस क्या हो रहा है, रियल टेस्ट 13। नेक्स्ट केस में डिस्प्ले क्या कराया है, वैल्यू ऑफ स्टार पी, वैल्यू ऑफ स्टार पी, स्टार पी का करंट वैल्यू आपको डायरेक्टली सो रहा है, स्टार पी मीन्स स्टार 102, और स्टार 102 में क्या स्टोर है करंटली 20, तो नेक्स्ट टाइम क्या आएगा 20। नेक्स्ट एक्सप्रेशन स्टार पी प्लस प्लस, अगर आप विदाउट ब्रैकेट इस टाइप से राइट करो देन प्लस प्लस के लिए फर्स्ट ऑपरेंड कौन है, ओनली पी, लेकिन इस केस में प्रायोरिटी को कंट्रोल किया बाय यूजिंग ब्रैकेट्स। इस केस में इंक्रीमेंट पी के लिए अप्लाई हुआ, स्टार पी के लिए, स्टार पी, स्टार पी मीन्स इंक्रीमेंट इन वैल्यू और इंक्रीमेंट इन एड्रेस। इस केस में इंक्रीमेंट किस में हुआ, वैल्यू में, क्योंकि स्टार पी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स वैल्यू क्या है 20। प्लस ऑपरेशन कैसा, पोस्ट, पोस्ट है तो पहले इंक्रीमेंट और पहले रिप्लेसमेंट, पहले इस प्लेस पर स्टार पी का करंट वैल्यू रिप्लेस होगा देन इंक्रीमेंट। तो करेंटली इस केस में स्टार पी मीन्स क्या, पी का वैल्यू क्या 102, स्टार 102 प्लस प्लस, तो सबसे पहले स्टार 102 के प्लेस पर स्टार 102 का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे, वैल्यू क्या 20, देन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होगा तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 21, लेकिन ऑलरेडी रिप्लेस क्या हुआ था 20, इसलिए इसे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा जस्ट 20, क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस, अगेन इसका जस्ट प्रीवियस एक्सप्रेशन क्या है, ऑलमोस्ट सेम, अगेन स्टार पी प्लस प्लस, तो अगेन पोस्ट इंक्रीमेंट है, पी के प्लेस पर पी का वैल्यू रिप्लेस कर लो, पी का वैल्यू अगेन क्या है 102, इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ 102 प्लस प्लस, अगेन पहले इंक्रीमेंट और पहले रिप्लेसमेंट, पोस्ट ऑपरेशन, इसलिए पहले स्टार पी का वैल्यू रिप्लेस करें, मीन्स पहले स्टार 102 का वैल्यू रिप्लेस होगा, स्टार 102 का वैल्यू क्या करंटली 21, 21 रिप्लेस होने के बाद जस्ट इंक्रीमेंट होगा तो उसकी नेक्स्ट न्यू वैल्यू क्या आसान हो जाएगी 22, लेकिन रिप्लेस क्या हुआ 21, इसलिए एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिजल्ट क्या आएगा 21। तो नेक्स्ट प्रिंट एफ फंक्शन का आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा 21, 20, 20 एंड 30, 21, 20, 20 एंड 13, क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट केस में इसे लास्ट ऑपरेशन इनवैलिड होगा, इसको मैं नेक्स्ट एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा, रीजन क्योंकि पॉइंटर का साइज क्या है 3, या तो मुझे इसका साइज, सॉरी एरे का साइज इंक्रीज करना होगा, अदरवाइज मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल में इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वन अगेन, इस केस में जस्ट ऑपरेशन प्रोवाइड हुआ लास्ट एक्सप्रेशन के अंदर, प्लस प्लस स्टार पी प्लस प्लस,
इस केस में सिंगल एक्सप्रेशन है इंक्रीमेंट कितनी बार और टू टाइम, मीन्स दोनों के प्रायोरिटी सेम है। इस केस में आपके लिए एग्जैक्टली समझना पॉसिबल, मैंने ड्यूरिंग इंक्रीमेंट ऑपरेशन आपको एक्सप्लेन किया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी कैसा सेम, देन सेम प्रायोरिटी ऑपरेटर सॉल्व कैसे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट सबसे पहले चांस किसको मिलेगा, पोस्ट को, लाइक दैट, क्लियर। नेक्स्ट टाइम चांस किसको मिलेगा, स्टार को। नेक्स्ट टाइम चांस किसको मिलेगा, प्री को। मीन से इस सीक्वेंस में इसको सॉल्व करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी रूल। तो फर्स्ट केस सबसे पहले पी के रिस्पेक्ट में बात करें तो पी में ऑपरेशन कैसा, प्री और पोस्ट, पोस्ट पोस्ट है तो पहले इंक्रीमेंट और पहले रिप्लेसमेंट, पोस्ट में पहले रिप्लेसमेंट कराएं देन इंक्रीमेंट। रिप्लेस क्या कराएं, वैल्यू ऑफ स्टार पी और वैल्यू ऑफ पी, ये अप्लाई किसके लिए हो रहा, पी के लिए, इसलिए रिप्लेस भी क्या करो, वैल्यू ऑफ पी, और पी का करंट वैल्यू क्या है 102, तो स्पेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 102। रिप्लेस होने के बाद मीन्स पहले रिप्लेसमेंट देन इमीडिएटली इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट भी किसमें हो रहा, ओनली पी में, और पी का करंट वैल्यू 102 है, तो इस एड्रेस में जब 1 से इंक्रीमेंट कराओ तो न्यू वैल्यू क्या आएगा इसके इसमें 104। तो नेक्स्ट टाइम सेम पॉइंटर वैल्यू एरे के लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करें, इसका नेम क्या हो जाएगा स्टार पी, क्लियर। नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट टाइम प्री इंक्रीमेंट किसके लिए अप्लाई हुआ है, स्टार 102 के लिए, और स्टार 102 का करेंट वैल्यू क्या है 22, प्लस ये इंक्रीमेंट क्या था प्री और पोस्ट प्री, तो पहले इंक्रीमेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 23। इंक्रीमेंट के जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम परफॉर्म किया हुआ रिप्लेसमेंट, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे वैल्यू ऑफ स्टार 102, स्टार 102 का करंट वैल्यू 23, इसलिए रिप्लेस क्या करा हुआ इस प्लेस पर, रिजल्ट इज 23, क्लियर। नेक्स्ट टाइम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टार बी, करेंटली स्टार बी 104 लोकेशन को पॉइंट कर, इसका वैल्यू क्या है 30, देन डिस्प्ले क्या हुआ 30, नेक्स्ट टाइम रिजल्ट क्या है 30 and 23। मैंने नेक्स्ट मीन्स लास्ट स्टेटमेंट को मैंने रिमूव कर दिया, उसका मैरिजन क्या है कि नेक्स्ट टाइम पी में इंक्रीमेंट करो तो एड्रेस क्या है 106 जो कि अनरिजर्व्ड प्लेस है, इसलिए रिजल्ट क्या है सम गार्बेज रिजल्ट, इसलिए मैंने इस ऑपरेशन को रिमूव कर दिया है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ गिवन एग्जांपल।